खैर बहरहाल हमारे साथ और दोस्त मौजूद है, उनको भी ले लेते हैं। मित्तुल आर्या साहब हमारे साथ मौजूद है जनाब, इंडिया से हैं गालबन। अहलन वसहलन प्यारे भाई मित्तुल साहब। जी नमस्ते। नमस्ते एक्चुअली मैं एक भैया। स्टूडेंट हूँ एंड मैं आपकी मैंने आपका पहली बार सुना है यूट्यूब पे एंड आई गॉट यू नो माय माइंड ब्लोन एंड मैं आपसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा आपने जो बात करी। मेरा कुछ धन्यवाद। क्वेश्चंस है जी। और क्वेश्चन ये है कि अगर आप कंपैरेटिव रिलीजन्स को देखें, फॉर एग्जांपल आप हिंदुइज्म की बात कर ले, तो कहीं पे भी सैक्रिफाइस ईश्वर के नाम पे करना हमें वहां पे गलत बताया गया है। और अच्छा। अगर आप महावीर जैन की जो आइडियोलॉजी है, जो उनका पोस्टुलेट है, अगर आप उस पे भी ध्यान दें, तो उनका ये भी कहना है कि एक चींटी भी आपसे नहीं मरनी चाहिए इंटेंशनली। मतलब हर एक जगह पे एक ना एक एक्सक्यूज है कि इन केस ऑफ, मतलब अगर आपको जरूरत पड़ेगी यू कैन ईट मीट एंड यू नो यू कैन किल। बट फॉर एग्जाम्पल आपने अगर देखा हो तो जो जैन लोग होते हैं वो अपने मुंह पे एक मास्क पहनते हैं। उनका ये थ्योरी भी है, हाँ उनका ये प्रीमिस भी है कि कोई भी ऐसे बैक्टीरिया जो हमें हार्म ना करे, इवन कि हम उनको भी इंटेंशनली मतलब हार्म ना पहुंचाए। तो इफ यू अगर आप गुरु गोविंद सिंह जी की जो बात है उसको भी देखो, वो ही वॉज अगेनेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ किलिंग्स, गुरु गोविंद सिंह। एंड जहाँ पे अदर साइड हम देखते हैं, हमें ऐसा फील होता है, आई डोंट नो बट, कि इस्लाम में कहीं ना कहीं मीट ईटिंग को कमर्शियलाइज कर दिया गया है एंड ऐसा लगता है कि वो काफी उसको एज अ पॉपुलर एक्ट समझ के यू नो ऐसा में फील होता है, मतलब मीट ईटिंग को लेकर। एंड एक और मैं चीज ऐड करना चाहूंगा, ये हिंदुइज्म में एक एक्सेप्शन है, हिमाचल प्रदेश में हम पहले देते थे 2017 से पहले चामुंडा माता के वहां पे हम गोट को सैक्रिफाइस करते थे और वहां के लोकल स्क्रिप्चर में ये लिखा हुआ है कि सैक्रिफाइस जो है ईश्वर के नाम पे नहीं, इस यहाँ पे एक्सेप्शन है और इस देवी के नाम पे ही होती है हम गोट। एंड 2017 में क्या हुआ, एक वीडियो वायरल होगी एंड हाई कोर्ट बैन दी सैक्रिफाइस ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। तो बट मैं इसी बात का जानना चाहता हूँ ये मेरे को। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं मित्तुल आर्या साहब, पहले आप ये बताएं आप जैन से ताल्लुक रखते हैं या आप सनातनी हैं? मैं एक्चुअली हाँ सनातनी हूँ। सनातनी हैं। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी चींटी को भी ईश्वर के नाम या ईश्वर के कहने या ईश्वर की खुशी के लिए नहीं मारना चाहिए, ये कहना नहीं, चाह नहीं, रहे हैं? नहीं, ये मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर आप देखो महावीर जैन, गुरु गोविंद सिंह जितने भी आए, उनने कहा कि हमें इंटेंशनली जान, गुरु मतलब आप गोविंद सिंह, अपने गुरु गोविंद सिंह माजरत के साथ, से किसी को लेकिन मारना बात, नहीं है। एक मिनट, गुरु गोविंद सिंह कौन थे? He was ninth guru, I think, of six. किसके किसके Six. सिक्स? वो सनातनी तो नहीं रहे थे ना, वो तो गुरु नहीं ग्रंथ नहीं को नहीं मानते। आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। मेरा क्वेश्चन ये है जितने भी लोग आए उनने कहीं ना कहीं प्रोहिबिट किया है मीटिंग को, ऐसा नहीं, कहीं वो फील देखिए आता है। देखिए तुमने देखिए ये मेरी बात क्वेश्चन, सुने, ये आप कह रहे हैं ना कि आपने उनकी मिसाल दे दी गुरु गोविंद की, यानी वो सनातनी तो नहीं, वो क्षत्रिय फैमिली से ताल्लुक रखते थे, तो ब्राह्मण भी नहीं थे, जी सनातनी भी हाँ खुद को नहीं मैं कहते थे, वो तो पूरा एक टोटल सिस्टम अलहदा हो गया गुरु ग्रंथ के बाद, गुरु नानक साहब के बाद। अच्छा, वो उनके यहाँ क्या है वो तो मैं, गुरु गोविंद सिंह ने, आप कहते हैं चूटी, गुरु गोविंद सिंह का आपको पता है उन्होंने कितने फड़काए थे? जी हाँ बट वही जो द वो क्यों क्वेश्चन इज, फड़काए थे? वो क्यों हाँ फड़काए हाँ थे? एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो जो कहते हैं, द वो जो शेर क्वेश्चन, उनका मौजूद है, जरा सुने उनका, गुरुमुखी के अंदर जो शेर मौजूद है जी, गुरु समझ गोविंद गया। सिंह का, मैं तो इनके फिर के आया हूँ, ये करतारपुर भी गया था बकायदा, इनके वो बड़ा लगा हुआ है, तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में मशहूर है कि एक से कितने लड़वाऊं, एक से सवा लाख सवा लख लड़वाऊं तब जाकर हाँ क्या कहलाऊं, जी, क्या कहलवाऊं? गुरु गोविंद सिंह हाँ जी, वो तो एक से सब, एक को जी सवा लख हाँ से लड़वा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं एग्जैक्टली। चूटी नहीं मार रहे, वो तो बट अगर लड़वा रहे आपको हैं पता उन्होंने। होगा कि वो जो पूरी बैटल हुई थी वो किसके, उसका मेन कॉज क्या था, उसका मेन कॉज है अब कॉज प्रोटेक्शन। के नहीं, बिल्कुल अरे भाई, हाँ ये चीज अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, कॉज की तरफ जी आप आ रहे हैं ना, तो हमारे जी नजदीक जो आप कह रहे हैं ना इस्लाम के ऊपर हो रही है, तो मित्तुल भाई प्यारे, हमारे नजदीक भी कुर्बानी के पीछे कॉज है। कुरान में लिखा है सूरह हज के अंदर, अल्लाह को ना इनका गोश्त पहुंचता है, ना इनकी चमड़ी, ना खून, ना खाल, अल्लाह को पहुंचता है यनालहु तक्वा, अल्लाह को तुम्हारी कुर्बानी के अंदर जो खुलूस है ना तुम्हारा, वो पहुंचता है। अब इस कुर्बानी का करते क्या है, क्या इस कुर्बानी को हम काट कर, क्या
क्या करते हैं इसको मसलन जाया कर देते हैं, गरीबों में बांटते हैं। इस कुर्बानी के बड़े तीन हिस्से हैं, एक हिस्सा आपके रिश्तेदारों का होता है, एक हिस्सा गरीबों मिस्कीनों का होता है, और एक हिस्सा जो है उसमें से भी अगर आप थोड़ा सा रखना चाहें, कई हमसायों में बांट देते हैं, कई तो अपने घर रखते भी नहीं है। ये अब हमारा मकसद ये है। अब हमारे आप कह रहे हैं उसके पीछे एक फिलोसफी थी, अब मैं आपको बताता हूँ, ये आप चूंकि सुनाते नहीं, ये सुने जरा। ऋग्वेद का मंडल पहला सोकत 26 और मंत्र 2, इसमें रीजन बयान हो रही है शस्त्र मुखालफों को मغلوب करने और उनको रोकने के लिए, ये कॉज बयान हो रहा है, दुश्मनों को मुखालफों को मغلوب करने और रोकने के लिए काबिले तारीफ और बा इस्तेहकाम हूं, तुम्हारी फौज मुस्तौजबे तौसीफ हो ताकि तुम हमेशा फतह याब रहते हो। हाँ, मतलब आप मेरा पॉइंट ही समझे, ये इंसानों मकसद कहने का, ये कॉज आप लेके आएंगे ना, तो वही कॉज इस्लाम के पास है प्यारे भाई। हम कॉज मैंने बट वो कॉज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉरली उसको कैसे जज किया जाएगा, मेरा वो क्वेश्चन है। और जैसे आपने बताया कि सेम जो आपने कॉज दिया ना इस्लाम के केस में, वो हमारे हिमाचल प्रदेश का एक स्क्रिप्चर है, जैसे मैंने आपको बताया एग्जैक्टली वही सेम चीज वहां पे लिखी गई है कि वो कहीं भी नहीं लगता, एंड वो एग्जैक्टली सेम वहां पे वो बांटते थे, लेकिन मॉरली क्या हुआ कि हिंदू लोगों ने ही उसे बंद करा दिया। तो मॉरल बेसिस पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम में क्यों वो पॉपुलराइज हो रहा है इतने ज्यादा। अच्छा, अब ये देखें, सत्यार्थ प्रकाश में ही छठा बाब है, समलास छठा, ये मैं रिकॉर्ड के लिए लाना चाहता हूँ बीच में, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये उसकी मॉरल किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश का छठा बाब है, समलास छठा, और उसका जो पैराग्राफ नंबर है या टाइटल नंबर है 29, उसमें क्या कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती साहब, मनु जी मनुस्मृति का हुक्म वो लिख कर तशरी करते हैं, मनुस्मृति है, वो कहते हैं जब रियाया परवर राजा, यानी ऐसा राजा जो रियाया की मोहब्बत और उसके खुलूस के साथ या उसका एहतराम करता हो या उसका सारे हकूक पूरे करता हो, राजा कोई अपने से छोटा ख्वा बराबर ख्वा बड़ा जंग के लिए तलब करे तो क्षत्रियों के धर्म को याद करके मैदान जंग में जाने से हरगिज पहलू तही ना करे, बल्कि बड़ी होशियारी के साथ उनसे जंग करे जिससे अपनी फतायाबी होगी। अब ये चीजें जो हैं, ये सत्यार्थ प्रकाश का हवाला मैंने आपके सामने रखा छठे बाब का, इससे पता चलता है कि हर खून या हर कत्ल या हर जंग या हर चीज का नुकसान पहुंचाने से उसके पीछे कोई ना कोई, आपके पीछे कोई मॉरल ग्राउंड, कोई रीजन होती है, हक और बातिल की जंग होती है। अब आप कह रहे हैं इस्लाम किस तरह मॉरली उसको जस्टिफाई, बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे हम वेदों को कर रहे हैं, जैसे हम जो है उपनिषदों को करेंगे या मनुस्मृति को करेंगे, वैसे ही जज करेंगे मॉरली, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अच्छा, कुछ जीव हैं उनको अगर आप मार दें और उससे इंसानियत का फायदा हो रहा है, गरीब गुरबा का फायदा हो रहा है, मुझे नहीं समझ आती कि उससे नुकसान क्या है, और जबकि पूरी किताबों के अंदर उसकी इजाजत मिलती हो, यानी बंदे मारने की, जानवर मारने की बात नहीं हो रही, बंदे मारने की, तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आता कि आप किस मैरल ग्राउंड की बात कर रहे हैं उसके वाले। मित्तुल आर्य भाई जरा जल्दी बोलिएगा, फिर दूसरे भाई को ले लें। जी मैं समझ पा रहा हूँ, बट मतलब मेरा क्वेश्चन फिर भी यही है, आपने मनुस्मृति का जो रेफरेंसेस दिए, अब यही बात है, एक मिनट छोड़े, क्वेश्चन क्या आपका, आप कह रहे हैं मेरा क्वेश्चन वही है, कोई क्या क्वेश्चन है आपका, क्यों फंस गया? क्वेश्चन ये है कि जितने भी महान जितने भी लोग यहाँ इस धरती पे आ चुके हैं, दे हैव प्रोहिबिटेड मीट ईटिंग, नहीं किया ना उन्होंने, मैं कह रहा हूँ आप जैन फाउंडेशन आप पढ़ो ना जी, आप सनातनी, एक मिनट ठहरे मेरी बात, आप सनातनी हैं या जैन है, मैंने क्यों आपसे पहले पूछा था? अरे वो मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, अब मैं आपको क्या कहूँ, अब कुछ भी नहीं है, अस्सलाम वालेकुम, टाइम दे रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, इस तरह नहीं, शौकानिया नहीं, बहुत टाइम दे दिया, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैंने पहले क्यों पूछा था कि आप जैन है या सनातनी है, आपने सनातनी कहा, मैंने सनातनों के हवाले आपको दिए, आप जैन कहते, मैं आपको जैन का बताता कि जैन के अंदर भी दो फिरके हैं, ये एक फिकी कॉन्सेप्ट था, जैन के अंदर भी दो फिरके हैं, मास पार्टी भी है उनके अंदर जो टका के खाते हैं, सिर्फ वो रखते हैं व्रत रखते हैं किसी दिन का, उसके बाद खाते हैं। अच्छा जी, कई जा रहे हैं, फलाने ने कहा, फलाने ने कहा, कब कहा है, पूरा मेन्यू दिया हुआ है भगवत गीता के अंदर, लंबी लिस्ट दी हुई है, ठीक है, इसी तरीके से उपनिषदों के अंदर भी है जो कि वेदों की कनेक्ट, अब कहते हैं जी मैं कुछ भी नहीं हूं, तो जाए भाई सो जाए प्यारे भाई, बड़े प्यार से आपके साथ बात चल रही थी, मगर आप जो है ना वो टपोसियां जो हैं उनको हम टाइम बस दे देते हैं।